अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मुझे ये तो बता दें। यस मैम, आ रही है जी मैम, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, कैसे हो आप लोग? ईद कैसे गुजरी है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम, जी मैम हो रही है। हम लोग का पेशेंट सेफ्टी 1 का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोगों का एक लेक्चर हुआ था इससे पहले। मुझे नहीं पता आप में से कौन बच्चा पहले था, पहले नहीं था, अब कौन आया है। ठीक है, तो लास्ट हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पेशेंट सेफ्टी सब्जेक्ट है क्या बेसिकली। ठीक है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है पेशेंट सेफ्टी को पढ़ने की, और इसकी बेसिस क्या थी, ये सब्जेक्ट कब बना। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, हम क्या क्या चीजें देखते हैं इसमें। ठीक है, कि बेसिकली आप में पेशेंट सेफ्टी को किस तरह से पॉसिबल बनाना है। ठीक है, पेशेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही, पेशेंट केयर जो है वो बिल्कुल आपकी टॉप पर हो, उसके लिए उसके साथ उसके अंदर जो जो चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर है, चाहे वो दूसरी किसी भी तरह के फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है बीच में, आपने उनको किस तरीके से बेहतर बनाना है। ठीक है, और एरर्स किस तरह की होती हैं, आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे जो है वो अचीव कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर बनाने के लिए जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका कुछ इंट्रोडक्शन था कि पेशेंट सेफ्टी बेसिकली है क्या। लेक्चर जो है वो आप लोगों का अपलोडेड है LMS के ऊपर, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स जो है वो उसमें से आप लोग उठा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कुछ बुक्स वगैरह भी स्टडी कर सकते हैं, या YouTube पे भी आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड पेशेंट सेफ्टी से कुछ गाइडलाइंस आपको अच्छे मिल जाएंगे। आज जो हम लोग का सेकंड लेक्चर है पेशेंट सेफ्टी का, इसमें बेसिकली ये है कि हमने उन ह्यूमन फैक्टर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, कि ह्यूमन फैक्टर क्या है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट है, वो क्या है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स बेसिकली क्या है, एर्गोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो क्या सब्जेक्ट है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, पेशेंट सेफ्टी में उसका क्या रोल है।
ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्लाइड्स चेंज हो रही है, नजर आ रही है आप सबको? सबसे पहले यस मैम आ रही है नजर। यस मैम आ रही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अंडरस्टैंड करना है ह्यूमन फैक्टर्स को एंड इट्स रिलेशनशिप टू पेशेंट सेफ्टी, के ह्यूमन फैक्टर जो हमारे पास एक फील्ड है उसका पेशेंट सेफ्टी के साथ जो है वो क्या रिलेशन है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है जी, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्लाई द ह्यूमन फैक्टर्स थिंकिंग टू योर वर्क एनवायरनमेंट, के जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है जो भी तरह की जिस भी तरह की आपकी वर्क प्लेस है, आपकी हॉस्पिटल सेटिंग है, क्योंकि हम पेशेंट सेफ्टी की बात करें तो हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे, इसके अलावा भी ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो आपके जितने भी फील्ड हैं, जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, जिस भी तरह की, उसमें आप इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, the study of all the factors that make it easier to do the work in the right way, ke aapne un sare factors ko basically padhna hai, un principles ko dekhna hai, unki study hai of all the factors that make it easier to do the work in the right way, ke aapke kaam ko aasan kis tarah se banaya ja sakta hai। aasani ka matlab ye nahi hai ki aap beech mein se shortcut dhoondna aur aapka kaam theek na ho, aasan banana hai lekin in the right way, theek hai ji। अप्लाई वेर एवर ह्यूमन्स वर्क, ऑल्सो समटाइम नोन एज एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, ये जहाँ भी आपके पास काम हो रहा है, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका कोई बैंक है, चाहे वो आपकी कोई कोई भी फील्ड है आपकी, ठीक है, आप किसी भी फील्ड की बात करते हो, वहाँ पे आप इसके ह्यूमन फैक्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। और ह्यूमन फैक्टर का जो दूसरा नाम है उसको एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रांच है आपके पास, साइंस की फील्ड है। अब आपके पास एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि एर्गोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और अरेंजिंग वर्कप्लेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स सो दैट दे फिट द पीपल हु यूज देम। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इस तरह की प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हो, अपनी वर्क प्लेस के अंदर इस तरह की सेटिंग्स लेकर आते हो, इस तरह की डिजाइनिंग करते हो, ठीक है, और ऐसे सिस्टम्स बनाते हो जो कि आप क्या करते हो कि लोग जो है वो उनके अंदर फिट होकर काम कर सके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने लोग तो वो ढूंढने हैं, ठीक है, आपने वो वाले लोग तो ढूंढने हैं जो कि आपके जो भी वर्क प्लेस है उसके हिसाब से काम कर सके, लेकिन आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर कि आपने ये काम इस तरह से करना है या उस तरह से करना है। आप अपने सिस्टम इतने बेहतर बनाए, इतने अच्छे बनाए कि लोग खुद ब खुद उनके अंदर फिट होते जाए और आपका काम जो है वो स्मूथली चलता जाए। Aim is to design methods in order to optimize human well-being and overall system performance. Ergonomics का aim क्या है कि आपने ऐसे methods बनाने हैं, ऐसे तरीके बनाने हैं in order to optimize human well-being, कि आपकी जो human well-being है, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी ठीक रहे, and overall system performance, जो आपका system है उसकी जो overall performance है वो भी अच्छी से अच्छी रहे, ठीक है। कुछ पता चला ergonomics क्या चीज है? Yes ma'am। अब इकोनॉमिक्स अगर हम वैसे एग्जांपल ले लें तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे अब आप लोगों का सिस्टम है यहाँ पे, अगर आप पोर्टल्स की बात करते हो या आप लोगों का कोई भी किसी भी तरह का आपका काम है, ठीक है, जो कि पहले थोड़ा सा मुश्किल था, पहले जरा मैनुअल सिस्टम होते थे, आप ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया, थोड़ा सा आसानी भी इन चीजों की वजह से हो गई, आपका काफी काम जो है वो घर बैठे हो जाता है। तो बेसिकली एक प्रोसेस बनाया गया, जैसे नादरा का प्रोसेस, आपने आईडी कार्ड बनवाना होता है, अब वो चीजें कितनी आसान होती गई हैं। पहले किसी जमाने में आईडी कार्ड बनवाना एक अच्छा खासा स्यापा समझा जाता था, क्योंकि आईडी कार्ड बनवाना तो कितनी क्या हो गया, अब कितना आसान हो गया, आप जाते हो दो चार मिनट आपको लगते हैं, सारा इन्हीं आपका मतलब अगर अच्छा हो तो आपका इन्हीं सारा डेटा आ जाता है, आपका सारा काम हो जाता है, आईडी कार्ड आपका बन जाता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाते हैं, ये चीजें किसी ना किसी सिस्टम की वजह से, किसी ना किसी प्रोसेस की वजह से पॉसिबल होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से अब आपके पास जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, यानी अपने लोगों के ऊपर कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, वो आपकी एक एविएशन है, ठीक है, और आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसके अलावा भी बाकी सारी फील्ड भी, इवन मेडिकल की फील्ड भी जो है वो बहुत ज्यादा हाईली रिलायबल है अपनी एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, हर बंदे की अपनी ड्यूटी है, अपना काम है, अपना सिस्टम उसमें पूरा करना है। एविएशन का तो आप सबको पता होगा, ठीक है, कि वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो ह्यूमन फैक्टर्स उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, और साथ सिस्टम्स की इस तरह की डेवलपमेंट के ह्यूमन फैक्टर्स तो जैसे से इन्वॉल्व है, लेकिन साथ साथ क्या है कि ऐसे सिस्टम्स भी डेवलप किए जाए जो कि उसमें हेल्प कर सकें अच्छे तरीके से। ये अब आपके पास न्यूट्रो मेडिसिन की फील्ड भी इसी तरीके से है। हेल्थ केयर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि 1920 में इंट्रोड्यूस हुई थी टू अवॉइड एडवर्स इवेंट्स, जो भी एडवर्स इवेंट्स है उनको अवॉइड करने के लिए,
ओनली रिसेंटली बीन एक्नॉलेज एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी. अब जाके जो है वो उसको पेशेंट सेफ्टी का भी एसेंशियल पार्ट बनाया गया है. ठीक है, अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एडवर्स इवेंट्स इन हेल्थ केयर. आपकी जो हेल्थ केयर में जो भी एडवर्स इवेंट्स हैं उनको दूर करने के लिए जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स प्रिंसिपल. के जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन फैक्टर्स प्रिंसिपल की, कि ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं और किस तरीके से जो है आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो. ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट हैं बेसिकली, वो लोग क्या काम करते हैं. They design improvements in the workplace and the equipment to fit human capabilities and limitations. ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं कि वो workplace में ऐसे improvements लेकर आ रहे हैं, ऐसे systems लेकर आ रहे हैं, ऐसे equipment develop कर रहे हैं जो कि human capabilities और जो limitations हैं उनको जो है वो एक साथ लेकर चल सके. ठीक है, उनको ये भी पता हो कि ये चीज़ हम करने के काबिल हैं being a human, और ये चीज़ यहाँ पे हमारी limitation है, ये हमारे काम की नहीं है, यहाँ पे हमें किसी machine की ज़रूरत है. ठीक है, तो इस तरह से जो है जो ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट हैं उनका ये काम है. दे मेक इट इजियर फॉर द वर्कर्स टू गेट द वर्क डन द राइट वे. ये वर्कर्स के लिए जो है वो काम करना आसान बनाते हैं. डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ एरर्स अकरिंग. एरर्स जो है वो कम से कम हो. जैसे आप बीपी कप एवोल्यूशन एवोल्यूशन की यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे 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 सिस्टम बढ़ता गया तो ऐसा ऐसा जरूरत महसूस हुई कि बीपी जो है वो मैनुअली चेक करने के बजाय हम इस तरह से एक इक्विपमेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं. इक्विपमेंट के अंदर पे बेहतरी लाते गए. ठीक है, अब जाके आपने देखा है कि अब ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो आ गए हैं, बीपी ऑपरेटर्स आ गए. ठीक है, आप सिर्फ फूड प्लेट मतलब पहनते और आपका बीपी आ जाता है, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता. तो यानी इस तरह से जो है वो इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में आती है. द रेंज ऑफ वर्कर्स, रेंज ऑफ वर्कर्स से मुराद ये है अगर आप हेल्थ केयर की बात करते हो कि आपके पास जो ह्यूमन फैक्टर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, जो उनकी प्रिंसिपल है ह्यूमन फैक्टर वाली फील्ड से, वो किन लोगों पे अप्लाई हो जाए. तो गुड ह्यूमन फैक्टर डिजाइन इन हेल्थ केयर अकोमोडेट्स द एंटायर रेंज ऑफ वर्कर्स. यानी आपके हेल्थ केयर में जो अगर आप ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हो तो इसमें आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे आ रहे हैं. ठीक है, वर्कर्स से मुराद ये है कि इसमें आपके एक्सपीरियंस क्लिनिशियंस भी आ रहे हैं. ठीक है, जो कि काम भी होंगे, वेल रेस्टेड भी होंगे, उस तरह के क्लिनिशियंस भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक हॉस्पिटल में आगे राउंड लेना और चले जाना है. ठीक है, उस तरह के बड़े क्लिनिशियंस भी होंगे कुछ. उसके बाद इनएक्सपीरियंस हेल्थ केयर वर्कर्स भी होंगे, नर्सिंग स्टाफ भी होगा जो कि स्ट्रेस भी होगा, फटीक भी होगा, जिसको काम करने की जल्दी भी पड़ी होगी. ठीक है, इस तरह के लोग भी बीच में होंगे. तो इन सब के फैक्टर्स को देखना है कि ये काम किस तरीके से सही कर सकते हैं, किस तरीके से गलत कर सकते हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है, क्या कैपेबिलिटीज हैं. तो ये सारे उसमें आएंगे. हेल्थ केयर इज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स. हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, होता जा भी रहा है. कॉम्प्लेक्स इस तरह से कि अब तरह तरह की फील्ड्स आ गई हैं, हर बंदा अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है. अब अगर एक ऑपरेशन थिएटर की बात करते हो, जैसे अगर यहाँ पे अगर कैथ लैब है, अगर इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लो कि कितने सारे लोग खड़े हुए हैं. डॉक्टर्स हैं, दूसरा स्टाफ है आपका, टेक्नोलॉजिस्ट है, काफी सारा स्टाफ जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ. यानी हर बंदा अपने अपने लेवल पे किसी ना किसी को ना कोई रोल प्ले कर रहा है और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. अब इधर किसी भी बंदे की वजह से कभी गलती हो सकती है, आप उस बंदे को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी गलती है. हो सकता है कि वो सिस्टम एरर हो. ठीक है, और सिस्टम एरर को आप ठीक कैसे कर सकते हो, उसको बेहतर कैसे कर सकते हो, ये बेसिकली आपका ह्यूमन फैक्टर का काम है. कि आपने उन गलतियों को भी मद्देनजर रखना है. आपको पता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप ये गलती कर सकते हो. ठीक है, और उस गलती को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, ये चीजें आपकी ह्यूमन फैक्टर्स में आती है. अच्छा जी, अभी आपके पास है ह्यूमन फैक्टर्स डिजाइन प्रिंसिपल्स. डिजाइन प्रिंसिपल्स बेसिकली ये है कि आपके पास बेसिकली इंटरफेस जो है आपके पास वो क्या है कि अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, आपका एक साइकोमोटर रिस्पॉन्स है. ठीक है, तो उसके बाद आपके पास डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, उनके बटन्स वगैरह हैं, आप हाथों से उनके बटन्स वगैरह पुश कर सकते हो. ठीक है, वो आपको एक आउटपुट जो है वो देंगी, यानी डिस्प्ले या साउंड वगैरह किसी भी तरीके से देंगी. और उसके बाद जो है वो आपकी सेंसेस है कि आप विजन और हियरिंग से जो है वो उन सेंसेस से आप यानी किस तरह से वो मैसेज रिसीव कर सकते हो कि क्या है. तो जो ह्यूमन फैक्टर डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली वो इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, कि आपकी डिवाइसेस भी बीच में इन्वॉल्व होती हैं, डिवाइसेस को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हो, उनको इनपुट को उनके आउटपुट को आप कैसे बेहतर कर सकते हो. और दूसरे नंबर पे ये कि आप जो अपने एंड पे यानी ह्यूमन के एंड पे जो फीचर्स आते हैं, साइकोमोटर है या सेंसेस हैं, तो उनको आप चलो एनहेंस नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से बेहतर बना सकते हो, तो वो ये सारा कुछ देखने में हेल्प आउट करें. और जो कुछ भी इस तरह के अगर एरर इस वजह से आते हैं, रीजन की वजह से आते हैं, उनको आप अवॉइड करें. ह्यूमन फैक्टर्स में अब क्या क्या चीजें आती है कि टेक्नोलॉजी से यूनिवर्सल नेचर ऑफ ह्यूमन फैलिबिलिटी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ एरर. यानी अब आपके पास क्या है,
कि ह्यूमन फैक्टर इस चीज को जो फील्ड है आपकी ये इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि ह्यूमन फैलिबिलिटी यानी जो मार्जिन ऑफ एरर है ह्यूमंस के पास वो यूनिवर्सल है, वो प्रेजेंट है, एरर हो सकती है किसी भी लेवल पे, हो सकती है किसी भी लेवल के इंसान से हो सकती है, ठीक है जी। और एरर जो है वो इनेविटेबल है, हो सकती है, अज्यूम्स दैट एरर्स विल अकर, एरर होंगी, डिजाइन थिंग इन द वर्कप्लेस टू ट्राई टू मिनिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ एरर और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब आपने चीजें और अपने सिस्टम ऐसे डिजाइन करने हैं अपनी वर्क प्लेस पे दैट ट्राई टू मिनिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ एरर, कि आपकी जो एरर के होने की जो चांसेस हैं वो कम से कम हो, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर एरर हो भी जाती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो कम से कम हो, जो उसके नतीजे निकल रहे हैं वो थोड़े कम जी। ह्यूमन फैक्टर की समझ आई है क्या फील्ड है और इसमें क्या चीज हो रही है, किस चीज से रिलेटेड बात हो रही है, कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का? जी रिस्पॉन्स दे दिया करें तो पता चले, समझ आ गई है, पढ़ी है। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि समझ समझ आ रही है कुछ? यस मैम क्लियर ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे दिया करें, मुझे पता चले कि जिंदा लोग बैठे हैं तो पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा मैम आप थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर दीजिए काइंडली, मैं ना अभी अभी ज्वाइन किया है लिंक मैम, वो मेरी फार्मा की क्लास हो रही थी साथ साथ, तो मैं उसमें मैंने वो ज्वाइन की हुई थी। अच्छा रिपीट ये कर देती हूँ कि हम लोग अभी पढ़े हैं ह्यूमन फैक्टर के बारे में। ह्यूमन फैक्टर बेसिकली आपके पास एक फील्ड है, एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, उसका काम ये है कि उसने ऐसे सिस्टम डेवलप करने हैं, ऐसे अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं जिनसे इस चीज को भी उन्होंने माइंड में रखना है कि ह्यूमन जो है वो एरर करने के काबिल है, आप गलती कर सकते हो, ठीक है, आपकी भी एक लिमिटेशंस है। जो ह्यूमन फैक्टर वाली फील्ड है उसमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखना है, ठीक है, और साथ साथ ही उन्होंने ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने हैं, ऐसे प्लान्स बनाने हैं, ऐसे डिजाइन्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे डिजाइन करनी है जिनकी वजह से, जिनको अगर आप अप्लाई करते हो अपनी वर्क प्लेस पे, यदि अगर वर्क प्लेस पे अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम हॉस्पिटल की बात अगर करते हैं, तो वहां पे आपके पास एरर के जो चांसेस है वो कम से कम हो, और अगर एरर हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर बेसिकली इन सारी चीजों को जो है वो कवर करती है। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग HFE इसको लिखते हैं, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, खाली ह्यूमन फैक्टर भी यूज किया जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ ह्यूमन फैक्टर यूज कर रहे हैं वर्ड, इसके अलावा इसको एर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से इस तरह से लिखते हैं सारी टर्म्स जो है, ठीक है जी। तो अभी तक हम उसको ही पढ़ रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट ऑफ हेल्थ वर्कर, ठीक है जी, यानी अब आपके पास बीइंग अ हेल्थ वर्कर आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो किस तरह से है, आपने ये एक क्या कहते हैं, निमोनिक कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं, कि आई एम सेफ, ठीक है, यानी आई से आपके पास इलनेस आएगी, एम से आपके पास मेडिकेशन आएगी, एस से स्ट्रेस है, एल्कोहल है, फटीग है, इमोशन है। सेल्फ असेसमेंट के लिए जो आई एम सेफ के जो लेटर्स हैं ये बेसिकली आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है, कैसे है, इलनेस आपसे रिलेटेड कोई है, आपको कोई है, कोई मेडिकेशन आप यूज करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर हो सकती है, स्ट्रेस में अगर आप हैं, अल्कोहल अब्यूज अगर आपका है, हमारे यहाँ पे नहीं है बेसिकली, लेकिन चलें, अल्कोहल अब्यूज है, फटीग है, इमोशनली अगर आप स्टेबल नहीं है, आप किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है, मेंटली आप ठीक नहीं है, आप अपने यानी आपका काम में यानी उस तरह से आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये चीजें बेसिकली आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं एक हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, और ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस मुतासर हो सकती है, आप कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एरर यानी आप करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी वजह से जो है वो इफेक्ट हुए। हेल्थ केयर में ट्रैप्स जी अब आपके पास किस तरह से हैं, ट्रैप्स बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल इस तरह से दी जाती है कि जैसे अब हमारे पास जो ये जो इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं इनकी वायर्स हैं ये काफी एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, ठीक है, तो बाद अवकात ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी वजह से अगर आपका ध्यान नहीं काम में है, गलती हो सकती है, ध्यान काम में है उस टाइम भी गलती हो सकती है, ठीक है, तो आप इन्फ्यूजन पंप्स हैं अगर उनकी वायर जो है वो आपने कोई गलत पुट कर दी है किसी वजह से, गलत इंजेक्शन पेशेंट को लग गया है, गलत एंटीबायोटिक उसकी गलत डोज चली गई है, ठीक है, तो ये चीजें जो है बेसिकली ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक ये समझने की ट्रैप बन जाती है, ठीक है।
जैसे अब आपके पास लुकल आइक एंड साउंड लाइक फार्मास्यूटिकल्स में काफी दवाइयां ऐसी हैं जो दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग एक जैसी है, कुछ जो है वो उनके अगर आप सॉल्ट्स की बात करो तो उनके सॉल्ट्स वो सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है, आप पेशेंट को गलती से एक के बजाय दूसरी चीज उठा के दे दो। तो ये वाली जो चीजें हैं ये बेसिकली आपके हेल्थ के सिस्टम में एक ट्रैप्स का काम करते हैं। इक्विपमेंट डिजाइन है, अब यहाँ पे इंफ्यूजन पंप है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि इन चीजों की वजह से भी आपके पास गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, अब क्या है कि वी कोप क्वाइट वेल विद द कॉम्प्लेक्सिटी, हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अच्छे तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स आर क्वाइट गुड एट कॉम्पेंसेटिंग फॉर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड अनक्लियर डिजाइन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्लेस। हेल्थ केयर वर्कर्स बेसिकली जो है मतलब काफी ट्रेंड होते हैं इन मामलों में कि उन्होंने ये अंडर प्रेशर किस तरह से काम करना है, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर डिजाइन है वर्क प्लेस के उनको उन्होंने किस तरह से कॉम्पनसेट करना है, जैसे इक्विपमेंट है या फिजिकल लेआउट्स हैं, ठीक है, जैसे वार्ड्स हैं, लैब्स हैं, आर्किटेक्चर है, आपस में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स काफी अच्छे तरीके से इनसे डील कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है। ह्यूमन बीइंग मेक्स सिली मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग जो सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस मोटिवेशन और विजिलेंस, पीपल मेक मिस्टेक्स, लोग हमेशा गलती करते हैं, हम करते हैं, आप भी करते हैं। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है, अभी हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन हम ये भी किसी दिन करेंगे। Think about and then discuss with your colleagues any silly mistake you have made recently when you were not in your place of work or study. कोई भी ऐसी कोई silly mistake जो आपने की हो जो आपको था कि ये avoid भी की जा सकती थी लेकिन आपसे हो गई, and why you think they happened, और आपको क्यों लगता है कि ये क्यों हुई, किस वजह से हुई, आपका ध्यान नहीं था, आप किसी वजह से stable नहीं थे, आप कुछ और सोच रहे थे, क्या वजह थी इसकी वजह से आपसे कोई silly mistake हो गई। Error अब आपके पास क्या है कि the failure of a planned action to achieve its intended outcome. कि आपने एक एक्शन प्लान किया हुआ था और आपको था कि इस तरह का आउटकम आपको मिलेगा लेकिन आपको नहीं मिला, ठीक है, अ डिविएशन बिटवीन व्हाट वाज एक्चुअली डन एंड व्हाट शुड हैव बीन डन, एक ऐसी आपके पास डिविएशन आ जाती है कि जो कि आपने काम असल में किया क्या, ठीक है, और होना क्या चाहिए था, इनके दरमियान की जो डिविएशन है बेसिकली वो आपके पास एक एरर देती है, ठीक है जी। अ डेफिनेशन दैट मे बी इजियर टू रिमेंबर इज डूइंग द रॉन्ग थिंग व्हेन मीनिंग टू डू द राइट थिंग, कि आप करना कुछ सही चीज चाह रहे थे, अच्छी चीज करना चाह रहे थे लेकिन आपसे जो है वो गलत काम हो गया, तो ये आपके पास बेसिकली एक एरर की डेफिनेशन है कि आप एरर बेसिकली क्या है। सिचुएशन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर, इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर के साथ कौन सी सिचुएशन है, एक तो ये कि अनफेमिलियरिटी विद द टास्क, कि टास्क के साथ आप अनफेमिलियर हैं, ठीक है जी, यानी आपको नहीं पता कि आपने काम क्या करना है, जैसे आप लोग अभी नए नए हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग हॉस्पिटल किसी में जाते हैं तो आप लोगों को पहले पहले दूसरे दिन एक आधा हफ्ता तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि आपने करना क्या, ठीक है, उस वजह से आपके पास रिस्क ऑफ एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यूजली ये भी देखा गया कि जो ज्यादातर एरर्स हैं वो जूनियर्स से ही होती हैं, सीनियर्स के साथ जाते जाते जो है वो हमारा जो एरर का जो एक लाइकलीहुड है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। इनएक्सपीरियंस, क्या भी इनएक्सपीरियंस है, ठीक है जी, शॉर्टर ऑफ टाइम है कि टाइम कम है, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी आप काम कर रहे हैं उस वजह से भी आपके पास एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट चेकिंग है कि आपने बस एक दफा काम करके छोड़ दिया, बस आपको है कि अभी ठीक मैंने कर दिया बस, लेकिन आपने उसको चेक नहीं किया प्रॉपरली, किसी भी इक्विपमेंट को चेक नहीं किया, यानी किसी भी जगह पे आपने गलती कर दी है। पुअर प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर आपका ठीक नहीं है। पुअर ह्यूमन इक्विपमेंट इंटरफेस है कि यानी आप इक्विपमेंट के साथ फेमिलियर नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने उसको ऑपरेट कैसे करना है, उस टाइम भी आपके पास जो रिस्क ऑफ एरर है वो बढ़ जाते हैं। कॉज ऑफ एरर में यही चीजें जैसे बिजी वार्ड है, पुअर स्टोरेज है, अनफेमिलियर इक्विपमेंट है, स्टाफ नॉट इन्वॉल्व इन इक्विपमेंट चॉइस, यानी स्टाफ जो इक्विपमेंट के साथ फेमिलियर नहीं है इक्विपमेंट चूज करते हुए। अब जाहिर बात है जो बंदा किसी चीज को ऑपरेट करे उसको ज्यादा बेहतर पता है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इस इक्विपमेंट पे हमें नजर आए, ठीक है जी। तो अगर स्टाफ जो है उसको नहीं पता कि इक्विपमेंट चूज किस बेसिस पे किया गया है तो वो उसको यूज उस तरीके से नहीं कर पाएगा, वो अनफेमिलियर ही रहेगा। अच्छा जी, इक्विपमेंट नॉट स्टैंडर्डाइज होने का मतलब ये है कि अब जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें अगर आप बात करते हो कि अगर आपके पास कोई मोनिटर है, ठीक है, या जो ये आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, इस तरह का कोई भी अगर आपके पास कोई भी मोनिटर है किसी भी किस्म का, या अगर बीपी ऑपरेटर्स की बात कर लेते हो, ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, यानी अगर एक हॉस्पिटल है तो उसमें हर कमरे में हर पेशेंट के पास वही होना चाहिए, हर वार्ड में हर रूम में वही बीपी ऑपरेटर, एक ही तरह का, एक ही कंपनी का, एक ही स्टाइल का होना चाहिए, ठीक है, ताकि हर बंदा उसे फेमिलियर हो। आप हॉस्पिटल में चलते फिरते स्टाफ में से किसी को भी कह दो कि मेरा बीपी चेक कर दे तो अगला बंदा आपको ये ना कह सके कि मुझे चेक नहीं करना आता क्योंकि मुझे ये इक्विपमेंट यूज करना नहीं आता, ठीक है। तो इक्विपमेंट आपका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए,
स्टाफ नॉट इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग वर्क स्पेस, यानी स्टाफ जो है वो आपकी जो वर्क स्पेस है, आप जो बंदा काम कर रहे हैं अगर वही इन्वॉल्व नहीं होगा अपने काम को बेहतर बनाने में, तो फिर बाहर वाले लोगों को तो नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या फ्लॉज और अंदर क्या गलतियां आ रही हैं। ठीक है जी। इसके अलावा टाइडनेस है, अगर आप थके हुए हो, जो अभी सेल्फ असेसमेंट वाली चीजें हमने पढ़ी थी, अगर वो आती है तो उस वजह से भी आपके पास एरर के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स में आपके पास क्या चीजें हैं, एक तो लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है, यानी अब सारी बात है इंसान है, हमारी मेमोरी भी एक लिमिटेड है, कोई हर बंदा फोटोग्राफिक मेमोरी वाला नहीं होता, ठीक है, अगर कुछ चीजें आपको याद रह जाती हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ऐसी चीजें याद रह जाती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। फर्दर रिड्यूस बाय फटीग, ठीक है, वही बात है, आप फटीग हो, स्ट्रेस है आपको, हंगर है, आप भूखे हो, आपने खाना नहीं खाया हुआ और आपके काम पे काम आई जा रहे हैं, पेशेंट आई जा रहे हैं और आपसे किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा, इलनेस है, आप बीमार हो, आप ठीक नहीं हो। लैंग्वेज है, ये कल्चरल फैक्टर्स हैं, पेशेंट्स आपके पास जो है वो डिफरेंट रीजन्स के हैं, जैसे अगर लाहौर में अगर आप बात करते हो तो अगर आपके पास कोई केपी के वाली साइड से या किसी और रीजन से, बलोचिस्तान वाली साइड से भी आ जाता है जिसकी लैंग्वेज आपसे नहीं मिलती है, उस टाइम पे भी आपके पास एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो बेचारा क्या आपको पूछ रहा है, आप समझ कुछ और रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से भी, या कोई हैजर्डस एटीट्यूड है आपका किसी भी चीज से रिलेटेड। फटीग बेसिकली क्या है कि 24 आवर्स ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन हैज परफॉर्मेंस इफेक्ट्स, यानी अगर आप 24 घंटे के तक नहीं सोए तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक मुतासिर हो सकती है, ठीक है जी। या अगर ब्लड अल्कोहल कंटेंट आपका 0.1% है, पर ये हमसे रिलेटेड नहीं है, बोरों की बातें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक बेसिकली ग्राफ है, इसको इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप कहते हैं, बेसिकली ये आपकी परफॉर्मेंस और प्रेशर से रिलेटेड एक ग्राफ है, लिंक किया हुआ यहाँ पे परफॉर्मेंस और प्रेशर को, यहाँ पे इस ग्राफ को इस बेसिस पर बनाया गया कि अगर आपके ऊपर प्रेशर किसी चीज का बहुत कम है, ठीक है, तो यानी आप किसी चीज पे, यानी आप इजी हो किसी चीज में, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको लेके काम हो जाएगा, उस टाइम भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे कम होती है, और जब आप एक बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस लेवल पे होते हो, या आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आप बिल्कुल ही खुश भी नहीं हो किसी चीज से, या आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया किसी भी टास्क से रिलेटेड, तो उस टाइम पे भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है। ऑप्टिमम स्ट्रेस आपके पास होगा, ऑप्टिमम प्रेशर होगा, तो वहां पे ही आपके पास आप बेस्टली अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, यानी दोनों एक्सट्रीम्स पे जाने के बजाय अगर आप न्यूट्रल रहो, ठीक है, कि आपको एक चीज का प्रेशर है भी, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, न्यूट्रल रह के आप उस चीज को लेकर आप चल रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इन्वर्टेड रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर एंड परफॉर्मेंस का। अच्छा जी, इसके बाद एक ही चीज आती है आपके पास हॉल्ट, ठीक है, कि डोंट फॉरगेट इफ योर हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब ये है, इसके जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनका ये है कि अगर आप हंगरी हैं, आप एंग्री हैं, आपको भूख लगी है, आपको गुस्सा आया हुआ है, आप लेट हैं या आप टायर्ड हैं, ठीक है जी। परफॉर्मेंस शेपिंग फैक्टर्स जो चेकलिस्ट है बेसिकली वो क्या है कि आज किस तरह की चेकलिस्ट को आपको देखना चाहिए, आप जो भी आपने अपनी परफॉर्मेंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उसमें ये चीज हम देख चुके हैं पहले, इलनेस है, मेडिकेशन है, प्रिस्क्रिप्शन, अल्कोहल, स्ट्रेस है, फटीग है, इमोशन है, तो ये सारी चीजें आपको एक दफा अगर आपकी परफॉर्मेंस आपको भी लग रहा है कि मुतासर हो रही है, कोई आसपास वाले लोग भी कह रहे हैं कि आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको ये चीजें चेक करने की जरूरत है, और अगर इनके जो इनके पीछे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उनको भी ठीक कर सकते। अप्लाई ह्यूमन फैक्टर थिंकिंग टू योर वर्क एनवायरनमेंट, आप जो ह्यूमन फैक्टर थिंकिंग है, जो इस फील्ड का मकसद है, आप उस तरह की थिंकिंग को अपने वर्क एनवायरनमेंट में अप्लाई करें। आप जैसे अगर आप लोग अभी वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप बेसिकली इस तरह की थिंकिंग अप्लाई करें कि आप ये सोचें कि किस तरह से आप किस तरह से अपने काम को ऑर्गेनाइज करके, अगर आपको एक टॉपिक दिए कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, तो आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले एक छोटी सी 2 मिनट की यूट्यूब पर वीडियो देख लें, ठीक है, वीडियो देख ली, आपको थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अच्छा इसमें बात क्या हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद 5 मिनट लगा के आप एक दफा जो आपके पास टॉपिक है, अगर एक पेज का, तो आप उसको वो पढ़ लें, तो आपने जो टास्क अभी कितने अच्छे से लटकाया हुआ होगा, तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से लेके चलें कि हाँ ये आपने करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। यानी आपने ह्यूमन फैक्टर थिंकिंग को, यानी आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी कम हो, ठीक है, और लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर बना सकते हो, आप ये इस तरह की छोटी छोटी थिंकिंग जो है अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है, इवन आप किचन में भी अप्लाई कर सकते हो कि किस तरीके से जो है खातन जो है कर सकती हैं, कि किस तरीके से जो है आप कम टाइम में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, शॉर्टकट्स उस तरह के जो आपके काम है ढूंढ सकते हो। अच्छा जी, अब इसमें जैसे कि है अप्लाई रिलायंस ऑन मेमोरी, ठीक है, कि आपने ये देखना है कि आप मेमोरी के ऊपर कितना रिलाई कर सकते हो, मेक थिंग्स विजिबल, चीज़ों को विजिबल कैसे आप रख सकते हो, जैसे अगर हम वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, तो चीज़ें आपके आसपास हों, ऐसा ना हो कि आपको पेशेंट को इमरजेंसी है, कोई चीज़ आपको चाहिए और उस टाइम पर वो आपको अपने आसपास, अगर आप एक हॉस्पिटल में वार्ड में, तो आपको चीज़ नहीं मिल रही, आपको बीपी ऑपरेटर से नहीं मिल रहा, आपको थर्मामीटर ही नहीं मिल रहा, ऐसी चीज़ें ना आपके पास हों।
रिव्यू एंड सिंपलीफाई प्रोसेस को सिंपलीफाई करें, स्टैंडर्डाइज्ड कॉमन प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स, वही जो बीपी ऑपरेटर्स वाली मैंने बात बताई कि आपका इक्विपमेंट जो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, रूटीनली यूज चेकलिस्ट को इस्तेमाल करें। अक्सर हॉस्पिटल में अक्सर सेटिंग्स में क्लिनिकल सेटिंग में जो चेकलिस्ट होती है, पेशेंट आएगा तो आपने ये चेक करना है, पेशेंट के जाने के बाद आपने ये करना है, तो आप उन चेकलिस्ट को इस्तेमाल करें, इक्विपमेंट को यूज में लाएं। डिक्रीज द रिलायंस ऑन विजिलेंस, ठीक है, आप ये नहीं इस चीज पर ना रहे हैं कि आप जब बड़े विजिलेंट हैं और जो हर बंदा जो बड़ा विजिलेंट है वो सारा काम कर लेगा, ऐसा नहीं होता, गलती का चांस हर बंदे के पास। अच्छा जी, अब आप ये चीजें बेहतर कैसे कर सकते हैं कि ओपन एंड फेयर कल्चर आपका होना चाहिए, इनकरेजेस रिपोर्टिंग। इससे आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास एक फेयर कल्चर होगा किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में, तो जो आपके पास जो भी एरर्स हुई होंगी, जो भी गलतियां हुई होंगी, तो उनकी रिपोर्टिंग जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मिस्टेक्स हुई है, फिर उसमें से आपके पास मिस्टेक्स और जो नियर मिसेस हैं आपको वो पता चलेंगे, आप उसे सीख सकते हो। उसके बाद आप सीखने के बाद क्या होगा कि आप इस थिंकिंग की तरफ आ सकते हो कि हाउ टू डू थिंग्स बेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो एक आपकी पूरी थ्योरी है इसकी, ह्यूमन फैक्टर की, वो बेसिकली इस चीज के ऊपर काम करती है। समरी क्या है ह्यूमन फैक्टर्स की? एरर्स आर इनएविटेबल इवन फॉर डॉक्टर्स, एरर्स जो है वो होंगी होंगी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो कोई भी है उनसे होंगी। There are situations that can increase the likelihood of error. आपके पास कुछ ऐसी situations हैं जो कि error की likelihood को increase कर सकती हैं। Recognize them for your patient's sake. अपने patient की safety के लिए आप उनको recognize करें और अपनी safety के लिए भी, ठीक है। Attention to human factors principle can lead to a reduction in errors or its consequences. अगर आप ये छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे principles हैं अगर आप इनको अपने mind में रखें तो आप एरर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिनसे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं आप उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ये थोड़ी सी बहुत चीजें जो अपने माइंड में रखें, आप यही वाली थिंकिंग अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा, ठीक है। आप कोशिश ये करें, जैसे अगर हमारा अगर नेक्स्ट वीक लेक्चर है तो एक हफ्ते में अगर आपको ऐसे करना चाहिए, एक हफ्ते में आप ये सोचें इस तरह की थिंकिंग है वो अपनी डेली लाइफ में लेकर आए, ठीक है। आपने पढ़ना है, आपने कहीं आना जाना है, आप कुछ भी करना, कोई भी अपना किचन में कोई भी काम आपने करना है, तो आप बेसिकली ह्यूमन फैक्टर प्रिंसिपल को अप्लाई करें, ठीक है, कि आप किस तरह से काम को बेहतर बना सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम कर सकते हैं, ठीक है। और ये कि आपके पास गलती का चांस भी कम से कम हो, तो आप ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में, और इस तरह से फिर जब आप कल को किसी वर्क प्लेस में जाएंगे तो वहां पे भी आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी स्किल होगी हमेशा वो सामने रहेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, समरी ये क्या कि ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग इज अबाउट डिजाइनिंग द वर्कप्लेस एंड द इक्विपमेंट इन इट टू अकोमोडेट फॉर लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस। ये आप बेसिकली जो इक्विपमेंट और जो वर्कप्लेस है उसकी डिजाइनिंग इस तरह से हो कि ह्यूमन परफॉर्मेंस की लिमिटेशन है वो वहां से कवर हो सके। अब आपके पास एंड पे ये केस स्टडी है, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़नी, ये मैंने डाल दी थी इसमें, और ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछूंगी इंशाल्लाह कि ये किस किसने पढ़ी है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो एच एफ ई यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग है, ठीक है। एच एफ ई अप्रोच है, केस स्टडी ऑफ अ फेटल एरर दैट माइट हैव बीन प्रिवेंटेड बाय अ एच एफ ई अप्रोच, कि ये बेसिकली केस स्टडी है, कहानी लिखी हुई है कि एक फेटल एरर थी वो किस तरह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते थे अगर आपके पास जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती या आप एक ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग अप्रोच आपने अप्लाई किया तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते थे, ये पूरी की सारी स्टोरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़नी है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इंशाल्लाह पूछूंगी, ठीक है जी। हाँ जी, समझ आई है कुछ क्या बात हो रही है, क्या कहानी हुई आज पूछना आज? यस मैम, यस मैम। और ये आप लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़कर आएंगे, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, केस स्टडी में लाजमी पूछूंगी, आप बच्चे उसको एक दफा रीड करके आएंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, और बस अच्छे से पढ़ के आइए। कुछ क्वेश्चन है तो करने मैम, मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे आपकी मेल रिसीव नहीं हो रही। मेल तो बेटा मैंने ही नहीं किसी को, ओके, मैं ईमेल्स नहीं करती वैसे, मतलब लेक्चर्स वगैरह की, क्योंकि वो पोर्टल पे अपलोड है, मैंने आज सारे लिंक्स डाल दिए आप लोगों के, जून तक के लिंक्स उसमें डले हुए हैं, ट्यूजडे 4 स्लॉट 12:30 बजे, मतलब यही आपका टाइम होगा, ठीक है। बल्कि मुझे कुछ बच्चों की ईमेल आए हैं, उनकी कुछ को तो मैंने रिप्लाई किया था कि 12:30 पे है क्लास, तो क्लास आपकी यानी अब रमजान खत्म हो गया ना, तो अब टाइमिंग जो है वो पहले वाली 4 स्लॉट वाली रहेगी, ठीक है मैम। मैम हमें पोर्टल पे तो टाइम 6:30 का शो हो रहा है। यस मैम, 6:30 जी मैम, इस टाइम तो फार्मर की क्लास भी हो रही है कुछ बच्चों की और मेरी भी है। नहीं, टाइम इसका 4:30 है, मतलब सब बच्चों को 6:30 शो हो रहा है।
जी मैम यस मैम 6:30 और एंडिंग टाइम 9:30 है तो वो चेंज होगा दोबारा अपडेट होना शायद। हाँ क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि टाइम टेबल चेंज हो गया वरना मैं नहीं पढ़ाना है तो मुझे पता होता। ठीक है तो मैं पहले आपके पास ना मतलब जब ये अपडेट हुआ था सिस्टम तो मेरे पोर्टल पे आपका नाम भी शो हो रहा था और सेक्शन बी शो हो रहा था, लेकिन अब दोबारा अपडेट हुआ तो सेक्शन सी शो हो रहा है और ना नाम भी सब्जेक्ट टीचर मेंशन नहीं हो रहा। कौन है सब्जेक्ट टीचर, किसी और का नाम मेंशन हो रहा है या किसी का भी नहीं हो रहा? मैं किसी का भी नहीं हो रहा। अच्छा ये फिर अपडेट की वजह से शायद कुछ इशू आया होगा। मैं भी वैसे देख लूंगी, मुझे मैंने अभी चेक नहीं किया वैसे कि मेरे पास कुछ बच्चे और एनरोल हुए हैं या पहले वाले कम हो गए हैं। ठीक है मैंने नहीं देखा, मैं देख लूंगी तो मैं फिर बता दूंगी। आप ऐसा करना कि मुझे फिर एक ईमेल कर दो कि अगर आप नहीं एनरोल हो तो मैं फिर आपको कर दूं एनरोल इसी वाले में। जी ठीक है मैं इसमें आपको मेल कर दूंगी, मैं भी चेक कर लूंगी वैसे शायद हो सकता है मेरे पास अब हो। मैम जी ठीक है मैम ओके। मैम आपकी मेल्स नहीं आती मेरे पास क्योंकि मैं मेल नहीं करती किसी को, मेल कैसे आएगी? ठीक है मतलब मेल या तो आप लेक्चर ईमेल कर सकते हो बच्चों को या आप तो उनको लिंक्स भेज सकते हो तो वो भी मैं पोर्टल पे डाल देती हूँ, लिंक्स भी मैं पोर्टल पे डाल देती हूँ। आज के अलावा कुछ पहले से बातचीत करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैं ये लेक्चर वगैरह और ये चीजें तो मैं पोर्टल पे मेरी अपडेटेड होती है सारी साथ साथ में, पिछले लेक्चर्स भी आपके डले हैं रिकॉर्डिंग भी डली हुई है सारी चीजें हैं। ओके मैम थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम। इमन खाली मैंने आज क्लास नहीं ली तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आपकी आवाज है ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा या तो लाउड बोलो। एमन खालिद उसकी अटेंडेंस आप मार्क कर दीजिएगा, उसने क्लास नहीं ली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसके घर लाइट नहीं आ रही। अच्छा चले मैं देख लूंगी अभी अटेंडेंस, मैंने मेरे खाली शायद लास्ट लेक्चर की भी मार्क ली मैं पढ़ लूंगी। अच्छा मिस और सेकंडली एक बात सुन ले, जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनका कवर हो जाएगा ना? हो जाएगा, पहले लेक्चर जो है वो सिर्फ वो था क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन टाइप था कि आपका जो सब्जेक्ट है पेशेंट सेफ्टी है क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है उस पे था तो आप उसके स्लाइड एक दफा गो थ्रू कर लेना थोड़ी स्लाइड ना उसकी। ठीक है और रिकॉर्डिंग सुन लेना, नहीं क्लियर होगा तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लेना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा तो कोई मसला नहीं, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो ओके मिस थैंक यू। और आज से यानी हमारा टॉपिक हमारे आज से स्टार्ट है। ठीक है ठीक है मैम चलें जी। कोई और क्वेश्चन किसी का? साथ साथ पढ़ लें, आसान सा सब्जेक्ट है, कहानी है इसमें और ऐसा चीज नहीं, मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को। कुछ डेफिनेशन है बस वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, बाकी तो इंशाल्लाह हो जाएगा आसान। ठीक है जी लेक्चर एंड कर दूं, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? यस मैम। मैम आप प्लीज अपना असेसमेंट प्लान भी शेयर कर दीजिएगा, आपको मैं पोर्टल पे ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है ओके थैंक यू मैम that is